निजला एकादशी है और निजला एकादशी के अवसर पर सिन्हा जी के घसियार मंदिर में नाव मनोरथ हो रहा है और विशेष रूप से नाव मनोरथ के दर्शन के लिए वैष्णवों की अपार संख्या यहां पर आई हुई है और सभी घाट बाट से नाव मनोरथ के दर्शन कर रहे हैं। आज खास बात इसमें यह भी है कि गोस्वामी विशाल बाबा पधारे हुए हैं और ठाकुर जी को लाड लड़ा रहे हैं। नाव मनोरथ के साथ में जिस तरह से नाव मनोरथ हो रहा है वो अपने आप में अलौकिक है और वैष्णव जन इस अवसर पर क्या कह रहे हैं और किस तरह से ये मनोरथ हुआ है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। निजला एकादशी पर घसियार स्थित सिन्हा जी मंदिर में विशेष रूप से नाव मनोरथ हुआ और इस नाव मनोरथ के आनंद और उत्साह का आप दृश्य देख रहे हैं। जिस तरह से तैयारियां वैष्णवों ने की है वो अपने आप में अद्भुत आपको दिख रही हैं। जिस उत्साह और उमंग के साथ में ये आप तैयारियां देख रहे हैं, लगभग मंदिर को विद्युत सज्जा और विविध पुष्पों से सजाया गया, नौका को भी विविध पुष्पों से सजाया गया और चित्राम बनाए गए और सभी का जो वैष्णव यहाँ आए अपनी अपनी सेवा देने में कहीं कोर कसर नहीं रखी। बड़ी आकर्षक यह सज्जा आप देख रहे हैं और मनोरथ में सबसे खास बात यह रही कि वल्लभ कुल के विशाल बाबा यहाँ पर मनोरथ में विशाल बाबा के पधारने पर मंदिर मंडल नादवारा, मंदिर मंडल घसियार और सभी वैष्णवों की ओर से यहाँ आदर सत्कार किया गया और विशेष रूप से जो भक्त यहाँ पे आए उनके मन में अपार उत्साह का संचार हुआ। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से जो उत्सव होते हैं उसमें खास उत्सव होता है नाव मनोरथ का और इसकी प्रतीक्षा करते हैं विहर वैष्णव और उनके मन में यही होता है कि कब नाव उत्सव का क्षण आए और हम उस नाव उत्सव के दर्शन करें। आप देख रहे हैं विशाल बाबा का स्वागत हो रहा है और यह अपार वैष्णवों की जो संख्या आप देख रहे हैं, जिस तरह से वैष्णवों के मन में भक्ति का संचार हुआ है इस स्थान पर, इस स्थान की महिमा अपार है क्योंकि यह स्थान श्री जी के खास स्थानों में है। घसियार वह स्थान है जहां श्री जी का स्वरूप आशीर्वाद की मुद्रा में है। भक्तों को यहां पर खूब आशीर्वाद मिलता है और जो भी भक्त यहां पर आते हैं वो सभी कष्टों से मुक्त होते हैं और श्री जी की बड़ी कृपा उनको मिलती है इस स्थान पर। यहाँ मनोरथ का क्षण धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और सभी स्वागत में उमड़े हैं विशाल बाबा का ऐसा स्वागत। और सबसे पहले प्रथम सीढ़ी को नमन करके विशाल बाबा मंदिर में पहुंच रहे हैं। महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी में एक अपार उत्साह देखा जा रहा है और सभी अपने अपने रूप में स्वागत कर रहे हैं। जिस प्रकार से यह अलौकिक नज़ारा आप देख रहे हैं और ठाकुर जी ने कृपा की
लो आ गई घड़ी ना मनोरथ की। जब भक्तों की पुकार ठाकुर जी सुनते हैं तो आनंद ठाट से दर्शन देते हैं। नाव मनोरथ के दर्शन करके वैष्णव जन अपने आप को धनभागी मानते हैं कि बड़े ठाकुर जी की अपार कृपा से बड़े भाग होते हैं कि ठाकुर जी के इस स्वरूप के दर्शन होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं इस रूप में पूरी होती हैं जिसके लिए वो कई वर्षों तक तप करते हैं, व्रत करते हैं और ठाकुर जी की आराधना और पूजन अर्चन करते हैं, तब जाकर ऐसे मनोरथों के दर्शन होते हैं। नाम मनोरथ की क्या महत्ता है, आइए जानिए गोस्वामी विशाल बाबा से। जी कृष्णा नमः, श्री ज्योति जन वल्लभाय नमः। श्री जी एवं लाडले लाल की कृपा सर एवं श्रीमान त्रिकैत महाराज की आज्ञा सर सिन्हा जी की चरण छोटी दसियार में आनंद पूर्वक नाव का मनोरथ हुआ, जहाँ प्रभु तो आनंद से विराजे ही, परंतु जो आनंद भक्तों के नेत्रों में देखा उसे बयान नहीं कर सकते। वैसे पुष्टि संप्रदाय में नाव के पद बहुत ही कम है, परंतु नाव का जो मनोरथ है यह देन मेवाड़ की है, मेवाड़ रियासत के तत्कालीन महाराणा भगवत सिंह जी की माता श्री राजमाता की विनती से सन 45 के पूर्व की बात है, श्रीमान त्रिकैत महाराज श्री गोविंद लाल जी महाराज की आज्ञा से प्रथम बार श्री जी में नाव का मनोरथ हुआ। अद्याविधि वो नाव का मनोरथ नियम पूर्वक होता आ रहा है, यह एक पुष्टि का क्रम है जहाँ नौका में स्वयं प्रभु भक्तों का दर्शन देने पधार रहे हैं। भक्त प्रभु के दर्शन करने जाए ये तो मर्यादा है, परंतु जब प्रभु दर्शन स्वयं देने भक्त को पधारे हैं, जैसे कि रथ का क्रम है, नाव का क्रम है, ये शुद्ध पुष्टि है और वो झलक मुझे नाव के मनोरथ में देखने को मिलती है। आप सभी को
आज के इस महोत्सव के नाम के मनोरथ की खूब खूब बधाई। घसियार में आज नाव मनोरथ हुआ है और सभी भक्तों के मन में अपार हर्ष की लहर हुई है और खास करके विशाल बाबा जो पधारे और ठाकुर जी को नौका विहार कराया। हमारे साथ में नादवारा मंदिर के अधिकारी जी हैं सुधाकर जी साहब, किस तरह का आनंद यहाँ पर हुआ है? जहाँ प्रभु विराजते हैं और वल्लभ पधार जाते हैं वहाँ पुष्टि मार्ग में आनंद ही आनंद है। आज हजारों भक्त उदयपुर के और बाहर से पधारे हुए भक्त लोग, नाथद्वारा से पधारे हुए वैष्णवजन सभी ने प्रभु के नाव का मनोरथ का दर्शन कर और प्रसाद पाकर खूब आनंद अनुभव किया। और पूज्यपाद विशाल बाबा साहब ने अपने वचनामृत से सभी वैष्णवों को अभिभूत कर दिया। ये खुशी के पल आज सबके लिए यादगार रहेंगे। जय श्री कृष्ण। सिन्हा जी के घसियार मंदिर में नाव मनोरथ हुआ है और निर्जला एकादशी के अवसर पर ये मौका मिला है। सभी जो वैष्णव आए हैं सभी ने नाव मनोरथ के दर्शन किए और आनंद विभोर हैं। हमारे साथ में नादवारा मंदिर मंडल के सीओ साहब हैं। जिस तरह से यहाँ पर नाम मनोरथ हुआ है, कोविड के बाद में सबसे आनंद यहाँ पे वैष्णव जनों को आ रहा है, क्या कहना, किस तरह से व्यवस्था हुई है और क्या नियम का नाम मनोरथ सिन्हा जी की प्रधान पीठ नाथद्वारा में होता है। उसके बाद जो भी बैठक है और जो भी हवेली है इसी में घसियार में आज वैष्णव की तरफ से ये नाम मनोरथ है और पूज्य चिरंजीव विशाल बाबा साहब आज पधारे हैं। 2019 के बाद अब हो रहा है तो वैष्णवों में बहुत उत्साह है। 3 साल बाद कोरोना की सब गतिविधि देखते हुए नहीं हुआ, अब हो रहा है तो वैष्णवों में बहुत उत्साह है। और हमारे साथ बहुत सारे वैष्णव है, राजेंद्र जी हरलाल का साहब भी हमारे साथ है और दूसरे वैष्णव भी है जिनके मनोरथ उनके घसियार मंदिर में भी इनकी तरफ से विकास कार्य और ये सब हो रहे हैं। आप बताएं आज नाम मनोरथ हुआ है, कैसा आनंद है? मैं खुद नाम मनोरथ काफ़ी वर्षों बाद मौका लगा है, कोरोना के कारण सब डिस्टर्ब हो गया था तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी में इतनी मतलब खूब ठंडक महसूस हो रही है कि पूरी मतलब गर्मी का पता ही नहीं चल रहा। अब आप सोचें कि ठाकुर जी के राज में मतलब ठाकुर जी के राज में कितना मतलब फ़र्क पड़ जाता है, मन भी शांत हो जाता है और ठंडक भी महसूस होती है, आराम तो खैर है ही। आज के मनोरथ में बहुत आनंद आया और इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना अच्छा डेकोरेशन देखकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई और अब यहाँ बार बार आने का मन था। बहुत बहुत आज का मनोरथ ये मैंने पहली बार देखा है और इतनी सुंदर व्यवस्था, और मैं चाहता हूँ कि ये मनोरथ प्रतिवर्ष होना चाहिए, हर वर्ष और इससे और भव्यता आएगी। और सीओ साहब ने जो इस साल विशेष अच्छा व्यवस्था की है उसके लिए पूरे मंडी मंडल के अधिकारियों को वगैरह सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का, विशाल बाबा का बहुत सजावट रही, सिन्हा जी की महिमा अपन पार। बस यहाँ देख के अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग से आ रही है, भगवान के दर्शन करके। हाँ, विशाल बाबा के सानिध्य में आज घसियार में नाव मनोरथ रखा जिसमें खूब फूल वर्षा से स्वागत और अभिनंदन ठाकुर जी का और विशाल बाबा का हुआ। इसी में उपलक्ष्य में आज दर्शन करने का कोविड के बाद 3 साल बाद अब मौका मिला है जिसका सभी जने आनंद पूर्वक आनंद ले रहे हैं। जय श्री कृष्ण। मैं सुधीर माथुर हूँ, दर्शन करना है जी। पहले सेवा का भी मौका मिला हमें और फिर बाद में दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छे से पहली बार किए हमने नाम दर्शन, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मंदिर बहुत अच्छा सजा रखा है। हाँ, उनको भी अपने पास से देखने का मौका मिला और पहली बार दर्शन किए हमने, बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा लगा। पुष्प बरसाए विशाल बाबा के ऊपर भी, भगवान के ऊपर भी, बहुत अच्छा लगा और खूब खुशियाँ मिल गई। साल के कोविड के बाद में पहली बार हो रहा है, बड़ा
दर्शन के अंदर हमको तो बहुत अच्छा लगा, दर्शन करें बहुत टाइम बाद आए हैं, दर्शन हुए हैं बहुत टाइम बाद आए हैं, बहुत अच्छा मनोरथ जी बताएं। निर्जला एकादशी की सबको बधाई। आज ठाकुर जी का नाव मनोरथ रखा है जिसमें नाद्वारा से मंदिर सबसे अच्छे मंदिर है, लोग बाग नाद्वारा भी जाते दर्शन करने के लिए, वहाँ से यहाँ भी जाते दर्शन करने के लिए, गुजरात के काफ़ी लोग दर्शन के लिए आते हैं और अभी आज एकादशी 11 से उसके लिए काफ़ी भीड़ है और अच्छी तरह से दर्शन हो गए और सब पब्लिक को भी अच्छे दर्शन है और प्रशासन ने भी अच्छा साथ दिया यहाँ का और सब लोगों ने मिलजुल के अच्छे दर्शन कर दिए। आप बताओ कैसा आनंद आया? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। नाम है आपका? डिंपल नागर। अच्छा, क्या कहना है आपका? आज हम नाव मनोरथ के लिए सब घसियार जा रहे हैं, विशाल बाबा के सानिध्य में आनंद लेंगे। हाँ हाँ, बताएं कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतने सालों से हुआ, 5-6 सालों से नाव मनोरथ हुआ, किसी वैष्णव ने कराया, आज हम सबको लाभ मिला उसकी वजह से, बहुत ठाकुर जी का अच्छा लगा। अरे बहुत हमारी सुबह की बात है, बताओ आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छा लगा, ये इतना अच्छा आयोजन किया है, विशाल बाबा इतने दूर नागवरा से आए हैं, अच्छी बात है, ठाकुर जी की कृपा है हमारे ऊपर। खन्ना जी उन्होंने ये सब जिम्मा लिया और आज वो ही कर रहे हैं सब। बहुत मनोरथ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ठाकुर जी जल विहार कर रहे हैं, बड़ी एकादशी है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बड़ा जल विहार करवा रहे हैं, जल में ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, जल विहार करें इतनी गर्मी में, ठाकुर जी को अच्छा लगा इतने टाइम से भगवान ने भी कृपा करी, आज इंद्र भगवान ने भी अपना साथ दिया, साथ कृपा करी तो आज वो भी मेहरबान हुआ और ऐसा हमेशा होता है यहाँ पर भी, उदयपुर में तो होते ही है मंदिर में, लेकिन सिन्हा जी घसियार में नाव मनोरथ के दर्शन करके सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि ऐसा मनोरथ बार बार होए, किस तरह से प्रसन्नता हो रही है, किस तरह से आत्मीयता हो रही है। बहुत मज़ा आया हमारे को दर्शन करके, आज का मनोरथ हमारे को जिंदगी में याद रहेगा, इतना बढ़िया दर्शन हुए। आप बताओ? बहुत अच्छे हुए दर्शन, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आज नाव मनोरथ के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल प्रसन्न हो गया, मज़ा आ गया। भीड़ होती नहीं है लेकिन आ जाए तो लगा सिन्हा जी यही बसे सब जगह है सिन्हा जी। अच्छा लगा, अच्छा दर्शन हुए, बढ़िया। हाँ, इधर बाहर ही आए हैं 40 साल के, खूब आनंद, बहुत ही अच्छा लग रहा है और वृक्षमामृतम की सहयोग से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, अभी जो चिल्ले वेट वो गिरेंगे तो ऐसा सुधार पहली बार हो रहा है यहाँ, और यहाँ के CEO साहब और कैलाश जी और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उदयपुर में भी चौथी बार नाव का मनोरथ हो चुका है, अब शायद कल एक बार और होने वाला है, पांचवी बार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे मनोरथ बार बार होते रहे, ये ठाकुर जी की कृपा और मेहरबानी है। सिन्हा जी के दर्शन करने का बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, साथ ही दर्शन के साथ साथ ही आनंद वो छटा जो बहुत जल्दी बारिश की संभावना बता रही है, बारिश हो जाएगी तो इस उदयपुर की धरती का बहुत न्याय हो जाएगा और इसके लिए हम सिन्हा जी की जय बोलते हैं। जी बताएं। मैं लीना अग्रवाल उदयपुर से, जय श्री कृष्णा सभी वैष्णव जनों को बहुत 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 जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज विशाल बाबा ने यह नाव मनोरथ करके सभी वैष्णवों को दर्शन का लाभ दिया, इसके लिए बहुत ही बहुत आभार, और आज बहुत ही मंदिर को बहुत अच्छा सजाया है, सिन्हा जी मंदिर का ये प्राचीन रूप बहुत ही अच्छा है, बहुत महिमा है इसकी, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, राधे राधे। आज श्री बाबा का बहुत आनंद आ गया है, यहाँ घसियार में विशाल बाबा पधारे हैं, वल्लभाधीश की जय, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत आनंद आया नौका विहार का, श्री बाबा यही है, वल्लभ तुल की बलिहारी, देखो आप मतलब आनंद। नाम मनोरथ हुआ है घसियार में और सबके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है, आप बताएं कैसा लगा आज और ठाकुर जी किस प्रकार से मेहरबानी की? आज तो घसियार की आवाज़ देखने लायक ही है, हम तो यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं दर्शन करने, पर जो यहाँ पे आज अलौकिक आनंद मिला है,
जो यहाँ की आज चमक धमक है, जो यहाँ की आज सजावट है, वो उसका तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और घसियार में नाव मरारत और हमारे अपने वल्लभ कुल विशाल बाबा पधारे हैं और वो ठाकुर जी को नौका विहार करा रहे हैं अपने मुखिया जी के साथ, जो घसियार मंदिर के हमारे मुखिया जी हैं। ऐसा आनंद हमने तो आज से पहले कभी घसियार में ऐसा महसूस नहीं किया। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, ऐसा आनंद हर साल हमको मिलता रहे, मतलब नाव मनोरथ होता रहे, सबके चेहरे खुशियों से भर जाए और सबको आनंद की अनुभूति हो। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या मिल गया। आप बताओ, बहुत ही अलग ही अनुभूति हो रही है, बहुत ही अलग ही अनुभूति है। पहले ऐसी कभी महसूस नहीं हुआ था पहले, और आज जो देखा है दृश्य वाकई में अलौकिक है, बहुत ही अच्छा लगा। आप बताओ, बहुत वर्षों बाद श्री जी की कृपा से नाव का मनोरथ घसियार में कराया गया, आज बहुत आनंद आया। व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है, श्री जी के दर्शन करने के लिए सभी को आमंत्रण किया गया है, प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। ठाकुर जी को बहुत आनंद आया है, सिन्हा जी से पधारे हम भी नागदोरा में रहते हैं, सिन्हा जी ठाकुर जी मनोरथ है, विशाल बाबा पधारे हैं, ठाकुर जी में भी पूनम के दिन मनोरथ है, 1.25 लाख आम का भोग चढ़ेगा, वहीं ठाकुर जी में भोग चढ़ता है। आप बताओ कैसा आनंद आया। चार सिन्हा जी मंदिर की महिमा निराली है और यहाँ की छठा भी निराली है। यहाँ पे जो भी आता है वो बार बार आने को मन करता है उसका। कैसा आनंद आया आज बताओ। आज हमें बहुत बहुत अच्छा लगा ठाकुर जी के दर्शन करके, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, तो दर्शन भी हो गए, वो पिकनिक भी मन गया। आप बताओ कैसा अच्छा लगा ठाकुर जी के दर्शन करके, मन खुश है बस। आप बताओ ठाकुर जी का दर्शन करके जीवन सफल हो गया। कौन से मनोरथ के दर्शन थे आज? नाव मनोरथ के दर्शन थे आज, बहुत अच्छा लगा। वाह, बहुत आनंद आ गया सर, बहुत आनंद आ गया। ठाकुर जी के अलौकिक दर्शन हुए, नाव के मनोरथ किए, तो साल में कभी कभी होते हैं, बस ज्येष्ठ महीने में होंगे तो दर्शन हो गए। बाल गोपाल भी बहुत आनंद से दर्शन किए, बहुत आनंद पूर्वक ये दर्शन किए हैं। आप बताओ कैसा आनंद आया है। आनंद आया, बहुत बढ़िया आनंद ही आनंद। बताओ कैसा आनंद आया है आज घसियार में भगवान शिनाथ जी के नाव के मनोरथ के दर्शन कर, मन प्रफुल्लित हुआ और ये सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है, आनंद आया। आप बताओ। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत दर्शन भगवान के, बहुत ही दर्शन हुए और बहुत आनंद आया दर्शन। बहुत सुंदर लगा, मैंने जीवन में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा है। घसियार में कई बार आया हूँ मगर आज जो अलौकिक दृश्य देखा, नाव उत्सव नाव मनोरथ का जो ये कार्यक्रम रखा और विशाल बाबा नाव चला रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन, अद्भुत नज़ारा था और बड़ा दिल गदगद हो गया। जय श्री कृष्ण। सभी सज्जन के आए हैं यहाँ पर सिन्हा जी मंदिर घसियार में नाव मनोरथ के दर्शन करने, और सभी के चेहरे पे खुशी का आलम दिख रहा है। बताएं किस तरह का आनंद आ रहा है, किस तरह का आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, खूब आनंद आ रहा है। सिन्हा जी के दर्शन करके खूब सारा आनंद आ रहा है, सिन्हा जी भगवान के दर्शन करके। बताओ, बोलो भाई, आनंद आ रहा है भगवान के दर्शन करके। हाँ वाह, परमानंद की अनुभूति आज नाव मनोरथ का, चार साल में जो उत्सव हुआ है, सब लोगों के हृदय प्रफुल्लित हो गए, बहुत आनंद आया। कैसा आनंद आया, बहुत मंगल में मंगल पर बाबा उठा, ठाकुर जी का आनंद, प्रसाद का आनंद, प्रसाद की व्यवस्था वापिस
बढ़ने लगी और वैष्णो देवी की बात भी लगा और वैष्णो काफ़ी आ रहे हैं और वैष्णो काम भी लगा शहर में आज नाव मनोरथ है, विशाल बाबा पधारे हैं, बहुत अच्छा आनंद हुआ। लगभग 10-15 हज़ार वैष्णवों ने आराम से दर्शन किए, दर्शन लाभ लिए। शहर में आज नाव के मनोरथ है, विशाल बाबा पधारे हैं, यमुना जी भरपूर हैं और वैष्णव इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। 10-15 हज़ार वैष्णव दर्शन करके पधारे हैं। कैसा आनंद आया? बहुत सुंदर आनंद, अति आनंद, ऐसा आनंद बरसों में कभी मिलता है। क्या कहना? बहुत अद्भुत दर्शन हुए, नाव का दर्शन अच्छा हुआ, नाव का दर्शन अच्छा हुआ, शिवजी की कृपा से अच्छे दर्शन हुए। ऐसे मनोरथ आनंद बहुत कम मुश्किल मिलता है, पर भाग्यशाली होते उन्हें मिलता है आनंद। खूब आनंद है, ठाकुर जी के जय जय पधारे हैं और भूतों ने भविष्य मनोरथ हुआ है आज। और हमने जय जय से निवेदन भी किया है कि जैसे आप पूर्व में जगदीश रथ यात्रा में पधारे थे, अभी नया रथ का निर्माण हुआ है, उसमें भी जय जय पधारने के लिए ठाकुर जी की इच्छा होगी, वो कृपा करेंगे, जरूर पधारेंगे। तो सभी भक्तों को बड़ा आनंद आएगा और हर्षो उत्साह उल्लास से इस बार जो रथ यात्रा कोरोना के बाद में निकलेगी, सभी में बड़ा आनंद है और ठाकुर जी सभी हृदय में विराजते हैं, ये भाव सत्य प्रकट होता है। क्या कहना है? सबसे पहले शहरवासियों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबकी मनोकामना श्रीनाथ जी पूरी करें। अभी मैं घसियार मंदिर में श्रीनाथ जी का जो पुराना मंदिर है वहाँ हूँ। आज जो नाव मनोरथ हुए वो देखने लायक थे, इतना मन प्रसन्न हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि विशाल बाबा जो खुद यहाँ पधारे और उन्होंने नाव मनोरथ करवाया, जितने भी दर्शनार्थी थे उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और मेवाड़ में ये परंपरा है कि जब एकादशी आती है और निर्जला एकादशी, उस दिन बारिश अवश्य होती है और खेतों में बुवाई का काम भी आज से शुरू हो रहा है। देखो अभी मैं खड़ी हुई हूँ और बारिश के छींटे आ रहे हैं। सभी को श्रीनाथ जी की कृपा बनी रहे और निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना और प्रणाम। आज घसियार मंदिर में श्रीनाथ जी के मंदिर में नाव मनोरथ हैं और निर्जला एकादशी हैं। मेवाड़ में निर्जला एकादशी के अवसर पर बुवाई शुरू हो जाती है और आप देख रहे हैं जिस तरह से आसमान का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि आसमान में भी उमड़ घुमड़ कर ये बादल आ गए हैं और पूरी तरह से ठाकुर जी की मेहरबानी मान रहे हैं वैष्णव जन। बादलों का ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, उमड़ घुमड़ कर बादल छाए हुए हैं और गर्मी से भी राहत मिली है और खेतों में भी अब बुआई शुरू होगी। कई आनंद आई रहा, आनंद देखो आप लाइटा मेरी है, देखो फूल तो पहले से लग ही रहा है, देखो भगवान की सरई हुई है, बहुत जोरदार काम भी हो को। हाँ हाँ बाबा बजा और बना जोक लगा, सब काम हाउस भी हो बढ़िया। अभी पधार किया है आसमान में तो बिजली खबे रही है, वर्षा सदी हुई रही है। हाँ ग्यारह श्री बाबू ने बेची आप, अभी देखो आप कैम अलग अलग बदले किए। एकादशी के उपलक्ष्य में यहाँ घसियार मंदिर में श्रीनाथ जी के नाम मनोरथ का उत्सव कराया गया। विशाल बाबा भी पधारे और सबने बहुत ही आनंद लिया। उदयपुर से बहुत सारा वैष्णव दर्शन के लिए पधारे, बहुत ही अच्छा और बढ़िया मनोरथ। नाम मनोरथ में आज बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया ठाकुर जी, बहुत मिलता है। और जय श्री कृष्ण। सब आदमी भैया सब बैठ जाओ।
सूरत पे म
Yeah.
Good job.